उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार आने का दो ही लोग विरोध कर रहे हैं, एक रामद्रोही है और दूसरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान को भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उन्हें मालूम है कि कांग्रेस के समय जब आतंकी विस्फोट होते थे तो कांग्रेस के नेता कहते थे सीमापुर से हैं, आज को कहीं भी पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। प्रधानमंत्री बनने का दो ही विरोध कर रहे हैं, दो लोग कौन है, एक रामद्रोही है और एक पाकिस्तान है, यही को विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसे मालूम है कांग्रेस के समय जब आतंकी विस्फोट होते थे तो कांग्रेस के नेता क्या कहते थे, कांग्रेस के नेता कहते थे वो सीमा पार से, आज तो नहीं है ना सीमा पार का आतंक, आज तो जोर से बम विस्फोट हो कहीं पे पटाखा फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है, ये छेड़ता नहीं है लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसलिए बहनों और भाइयों, तुलसी बाबा ने तो पहले लिख दिया है, हो है वही जो राम रची राखा, और प्रभु राम की इच्छा क्या है कि मेरा भक्त फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बने। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा, जनता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, ये पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है। अरविंद केजरीवाल को जो बेल मिली है वो अंतरिम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्दोष हैं। वो 2014 और 2019 में भी प्रचार कर रहे थे लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इस बार भी दिल्ली की सात सीटें भाजपा ही जीतेगी। आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है लोगों को गुमराह करने की, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। जी आप देख रही हैं कि जनता जनार्दन का कितना ज्यादा आशीर्वाद और स्नेह बरस रहा है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर लोगों में दिख रहा है और उनके जो विकसित भारत का जो विजन है उसमें जनता जनार्दन का अगाध विश्वास है। इसीलिए आप देख लीजिएगा, गर्मी हो या नहीं हो, प्रचंड गर्मी में भी अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार। मुख्यमंत्री भी जेल से बाहर आ चुके हैं बेल पर और वो भी प्रचार में रोड शो कर रहे हैं तमाम, क्या लगता है उससे कुछ फर्क पड़ेगा? जी देखिए, उनको जो बेल मिली है वो इंटरिम बेल मिली है और केवल प्रचार के लिए मिली है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो निर्दोष हैं। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुद भी अपनी पटिशन में ये दलील नहीं दी कि वो निर्दोष हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि 2 मई को आपको वापस जाना है, सॉरी 2 जून को उनको वापस जाना है। आज मैं ये जरूर कहूंगी कि उनके प्रचार में होने या न होने से फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि 2014 में भी वे प्रचार कर रहे थे, 2019 में भी वे प्रचार कर रहे थे, लेकिन परिणाम सबके सामने जाहिर है। इस बार भी 7 की 7 सीटें दिल्ली की जनता भाजपा की झोली में डालेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर कहा, अरविंद केजरीवाल जमानत पर छूट कर आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी एक गरीब परिवार के बेटे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, जो भी इस मानसिकता के लोग हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं ताकि उस पर देश में चर्चा हो। उनकी बातों पर किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए, वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। देखिए श्री अरविंद केजरीवाल जी जमानत पर छूट करके आए हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के आरोपी हैं और 2 जून को जेल वापस जाने की तैयारी करके रखें, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, ओबीसी से आते हैं और देश के प्रधानमंत्री बन गए। मैं जानता हूँ श्री अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों या जो भी इस मानसिकता के नेता है, वो मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के सवाल उठाना, इस प्रकार के बयान देना, जिस बयान की चर्चा होने लगे देश में और आप सब पत्रकार साथी लोग सवाल पूछने लगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो जेल से जमानत पर आया है, जमानत से जेल से जो छूटने का काम होता है वो हत्या का आरोपी भी छूट जाता है, भ्रष्टाचार के आरोपी भी जमानत पर, वह भी 2 जून को उनको फिर वापस जेल जाना है, उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेना। वो जो कहते हैं श्री अरविंद केजरीवाल वो कभी नहीं करते,
वो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं। उनके पहले के बयान और अब के बयान दोनों को देख लीजिए, तो मतलब इतना झूठा व्यक्ति, इतना फरेबी व्यक्ति, इतना मतलब अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति शायद हिंदुस्तान के इतिहास में, राजनीति के अंदर, सार्वजनिक जीवन में कोई नहीं होगा।